हिंदू धर्म में साल के 365 दिनों में 16 दिन केवल पितरों और पूर्वजों को याद करने और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए निर्धारित है। इससे पता चलता है कि पितृपक्ष का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज या पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीष देते हैं। पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। इसके साथ ही इन दिनों में कुछ विशेष चीज़ों का दान करना भी शुभ माना गया है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और मान्यता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ उन्हें वस्त्र दान करने से पूर्वज और पितर बेहद ही प्रसन्न होते हैं। आप उन्हें धोती, कुर्ता, पैंट, शर्ट, स्टाल, टोपी आदि दान में दे सकते हैं। इसी क्रम में हमारे इकौना के गोपालपुर निभिया गांव के समाज सेवी पंडित श्रीधर तिवारी गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्राद्ध का कार्य पूरा कर रहे हैं। पंडित श्रीधर अपने स्वर्गीय पिता पंडित राम फेरन पांडे की पुण्यतिथि पर आज अपने आवास के निकट काली थान मंदिर परिसर में श्राद्ध करवा रहे हैं, जहां ब्राह्मणों को भोजन करा करके और अन्य वस्तुओं का दान करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इस अवसर पर गांव के जो जरूरतमंद बुजुर्ग महिलाएं हैं उन सभी को अंग वस्त्र दान किया गया है। पंडित श्रीधर कहते हैं कि हर साल वो अपने पिताजी का श्राद्ध कराते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं और अपने सामर्थ्य अनुसार दान वगैरह करते हैं। आज यहाँ सैकड़ों लोगों को पंडित जी ने अंग वस्त्र दान किया है, उनका पूरा परिवार इस वक्त आप देख सकते हैं। पंडित श्रीधर कहते हैं कि मैं पंडित श्रीधर तिवारी ग्राम निभिया में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जरूरतमंद बुजुर्ग महिलाओं एवं जरूरतमंदों को अन्न दान का वस्त्र दान अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है एवं दान का महत्व तो शास्त्रों में बतलाया गया है कि हस्तस्य भूषणम दानम अर्थात हाथों की शोभा दान के साथ है। धर्म के चार चरणों का उल्लेख शास्त्रों ने किया है, पहले सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा दान। इसीलिए बहुत ही दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में मुझे जितना सामर्थ्य है उतना मैं दान कर सकूँ। चिड़िया चोच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे, कह गए दास कबीर। तो निभिया गांव में लेकर चलते हैं बहुत ही अच्छे इंसान पंडित श्रीधर तिवारी जी। हर साल ये कार्यक्रम करवाते हैं निभिया गांव में। ये उनकी माता जी हैं। अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में इस साल जो है पितृपक्ष का आरंभ 17 दिसंबर से हुआ है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। और पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इस वक्त पितृपक्ष चल रहा है यानी श्राद्ध, जो कि हिंदू धर्म में इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध क्रम किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध क्रम करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का भी विधान है। तो पितृपक्ष में हर साल पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और हवन आदि किया जाता है। सभी लोग अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते हैं उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को साल से मैं पिताजी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में ये मैं कार्य करता हूँ, क्योंकि धर्म करने से जहाँ तक मुझे पता है कि धर्म करने से धन की उत्पत्ति होती है और घर में सुखी होते हैं लोग और धर्म की वृद्धि होती है। हम ऐसा कर रहे हैं कि ये सारी दुनिया में ये संदेश जाए कि प्रत्येक लोग अपने पिता के उपलक्ष्य में ये भाव भक्ति से ये कार्य करें और एकता करें, सब लोग को इकट्ठा करके जिस प्रकार से एक परिवार को चलाया जाता है उसी प्रकार से पूरे समाज को चलाया जाए, हमारा यही संदेश पूरे दुनिया में है। सभी अंग वस्त्र भी आपने वितरित किया है, दान पुण्य करने का भी कोई परंपरा है? जी, ब्राह्मण का परंपरा ये है कि हाथ से दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। चार धर्म होता है, अर्थ धर्म, मोक्ष धर्म। इसी प्रकार से हम जहाँ तक जानकारी हमें है ये बहुत अच्छा लगता मुझे ये कार्य करने में। हेलो, तो दान किया जाता है वो बहुत बड़ा दान होता है। तो पंडित श्रीधर तिवारी कहते हैं कि दान से बड़ा कोई चीज नहीं है और उन्होंने बताया कि जब पितृपक्ष होता है तो जो मौत के देवता हैं यमराज, वो पितरों को कुछ दिन के लिए स्वतंत्र कर देते हैं ताकि वो पृथ्वी पर आए। प्रत्येक आत्मा को भोजन, पानी और मन के शांति की जरूरत होती है और उसकी ये पूर्ति सिर्फ उसके परिजन ही कर सकते हैं।
परिजनों से ये वो भी आशा करते हैं। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पोत्रादि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ वो पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करवाना चाहिए। तो गोपालपुर के निभिया गांव में पंडित श्रीधर तिवारी ने सबसे पहले यहां पर विधि पूर्वक जो श्राद्ध किया है, जो पिंडदान किया है, उसके बाद में यहां पर सभी लोगों को बुला करके बाकायदा टेंट और तंबू लगा करके लोगों को खाना खिलाया गया है। और पंडित जी की तरफ से जो ज़रूरतमंद हैं, जो गांव के बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको कपड़े लेकर के आए हैं। देख लीजिए, यहाँ पर इनके परिवार के द्वारा लोगों को अंग वस्त्र दान में दिया जा रहा है।